हेलो दोस्तों, कैसे हो। मेरा नाम है गोविंद और आप देख रहे हैं टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करूंगा मैं तीन ऐसी एप्लीकेशन के बारे में जिस जो है यूपीआई को यूज़ करने के लिए काम आती है। यहाँ पर पहली जो है गूगल पे, दूसरी फोन पे, तीसरी जो है पेटीएम। आप सभी लोग जो है इनका यूज़ करते होंगे, ज़्यादातर लोग जो है यहाँ पर करते हैं और जो है यूपीआई में जो है बहुत से ट्रांजेक्शन भी होते हैं। तो आज इन्हीं के बारे में बात करेंगे और आपको बताऊँगा इनमें से जो है कौन सी बेहतर जो है आपको मिलती है। एक से शुरुआत करेंगे और जो है स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर मैं सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं गूगल पे की। तो गूगल पे जो है पहले तेज नाम से आई थी, उसके बाद इसका नाम जो है जी पे यानी गूगल पे कर दिया गया है। सबसे पहले बात करते हैं इसके इंटरफेस की। तो इसका इंटरफेस जो है आपको जरा सी टफ मिलेगा। अगर आप जो है आप इसमें रिचार्ज वगैरह करना चाहते हैं तो जरा सी एकदम नया बंद है तो उसे जो है जरा सी प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें वॉलेट की फैसिलिटी आपको नहीं मिलती है। साथ ही दोस्तों सिक्योरिटी के मामले में जो है एकदम टॉप नॉच है। इसमें जो है आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज जो है यहाँ पर नहीं देखने को मिलता है। ऑफर्स की बात करें तो इसमें जो है आपको अलग अलग जो कूपन मिलते रहते हैं। साथ ही दोस्तों इसमें जो है अगर आप पेमेंट करते हैं तो आपको जो कुछ कैशबैक भी देखने को मिलता है। साथ ही दोस्तों अगर आप जो है इसके रेफर करते हैं तो आप जो है इससे कुछ पैसे बना सकते हैं। मैंने भी बनाए हुए हैं। अगर आपने जो है इसको अभी तक डाउनलोड किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों आप बात कर लेते हैं फोन पे के बारे में। फोन पे दोस्तों इसका इंटरफेस जो है सबसे बढ़िया है, पेटीएम से और जो है गूगल पे दोनों से जो है बहुत बेहतरीन जो है यहाँ पर आपको इसका इंटरफेस देखने को मिलता है। अगर आपको रिचार्ज करना है तो फ्रंट में जो है आपको सारी की सारी चीज़ें जो है देखने को मिलती है। इसमें तो साथ ही वॉलेट का ऑप्शन ही मिल जाता है, ये एक अच्छी बात है। साथ ही इसमें भी जो है आपको सिक्योरिटी जो है एकदम टॉप नॉच देखने को मिल जाते हैं। रेफंड और अर्न का भी जो है फीचर इसमें भी मिलता है और जो है कूपन्स भी जो आप कोई पेमेंट करते हैं तो वहाँ पर आपको मिलते रहते हैं बीच बीच में। ठीक है, ये तो होगी इनकी बात। अब बात करते हैं पेटीएम की। दोस्तों पेटीएम में भी जो है आपको बहुत सी चीज़ें देखने को मिलती हैं। पेटीएम जो है एक शॉपिंग वेबसाइट के तौर पे भी काम करता है, अपने बैंक के रूप में भी काम करता है। तो वहाँ पर जो है उसके बहुत सारा बिजनेस है। इसमें भी जो है आपको वॉलेट का फीचर मिल जाता है। इंटरफेस जो है पहले सरल था मगर जो है अब तरह से इन्होंने जो है इसे टफ बना दिया है। इसमें आपको वॉलेट देखने को मिल जाता है। अगर आप रेफर और अर्न करना चाहते हैं तो वो जो है आप इसमें कर सकते हैं। आप सभी को पता होगा दोस्तों पेटीएम जो है सिक्योरिटी के मामले में जो है हमेशा जो है डाउन रहा है, क्योंकि जो है आपने बहुत बार जो है इसके बारे में कुछ घपलेबाजी जो है नाम सुना ही होगा। तो यहाँ पर जो है जरा सी इसकी डाउन साइड से रह जाती है, मगर जो है फीचर आपको इसमें भी एकदम भर भर के मिलते हैं अगर आप जो है एक अच्छे नॉलेज रखते हैं टेक के बारे में। साथ ही दोस्तों इसमें जो है आपको रेफर और अर्न का फीचर इसमें भी मिल जाता है। पेमेंट करने पे जो है आपको कुछ कैशबैक डिस्काउंट वगैरह जो है कूपन इसमें भी मिल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों रिफंड पॉलिसी की। दोस्तों सभी में जो है आपको रिफंड पॉलिसी ठीक ठाक मिल जाती है। गूगल पे में भी जो आपको 7 दिन का समय लगता है, फोन पे में 3 दिन का लगता है और पेटीएम में भी दोस्तों लगभग 24 घंटे का समय यहाँ पर लगता है। मेरे ओपिनियन की बात करेंगे तो मेरे ओपिनियन में जो है यहाँ पर फोन पे बेस्ट है। मैं जो है फोन पे को नंबर 1 पे रखूंगा। सभी का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ताकि जो है आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, नहीं आया डिसलाइक करना, मुझे बताना कमेंट में जो आपको क्यों नहीं पसंद आया।